डेवलप हो सके। आज का जो समय चल रहा है, आज का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और हर वो कोशिश कर रहा है कि उनके बच्चे अच्छी से अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन आज का जो समय है, ट्रेंड है, वो क्या करती, कोचिंग पर ज्यादा बच्चे को निर्भर कर रही है ताकि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ सके। ठीक, लेकिन बच्चे कोचिंग में भी जाते हैं और कोचिंग में भी वो चीज को अचीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आजकल जो मल्टीमीडिया का जमाना आ गया है, जो ट्रेंड आ गया है, वो बच्चों को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो उस डायरेक्शन को रोकते हुए ताकि बच्चे को सही फोकस क्या रहे, उसका क्या विजन रहे, वो आज हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं और आज 3 साल से लगातार इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं ताकि अपन लोग जब अपने समाज को शिक्षित कर सकें। आज हमारे महापुरुष हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो भी यही करते आए हैं और कहते रहेंगे। तो जिन लोगों ने सक्सेस पाई है, जो सफल हुए हैं, वो भी हम ही लोगों में से एक थे। सही बात है कि नहीं? यानी जिन लोगों ने कुछ प्राप्त किया है, जो कुछ पढ़े लिखे, तो वो भी किसी औहदे से उठकर, किसी जमीन से उठकर आए हैं, कुछ अलग से नहीं आए हैं। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो सारी चीज़ों को जानता नहीं है, वो यहीं पर आके खाना, बोलना, सीखना, पढ़ना, लिखना, हर चीज़ यहीं पर सीखता है। और सिखाने वाले कौन होते हैं? हम और आप जैसे लोग होते हैं। जिस समाज में वो जैसा रहेगा, वैसा वो बनता जाएगा। अगर वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है या फिर अपनी इंडिया में रह रहा है, तो हिंदी बोलना सीखेगा। अगर विदेश में चला जाए, अमेरिका में चला जाए, तो इंग्लिश बोलना सीखेगा। उसका सिर्फ वातावरण का प्रभाव होता है, तो वो क्या सीख रहा है, कैसे अपने अंदर वो डेवलपमेंट कर रहा है, क्या चीज़ को अचीव कर रहा है। तो वो जब वातावरण उसको जैसा मिलेगा, वैसा वो लोग सीखेंगे। अभी जैसे जो बच्चे हैं, यदि इन लोगों को एक गाली भरे माहौल में भेज दिया जाए, जहाँ पर रोज लड़ाई होती हो, रोज उल्टी हरकतें होती हो, दादू की मारा पट्टी होती हो, तो आगे चल के क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे, ये भी अपनी फैमिली में यही चीज करेंगे। तो अगर इनको उस माहौल से हटाना है, उस माहौल से उनको अपना तो भविष्य जो है, अपन ने अपनी जिंदगी काट ली, ठीक है, लेकिन अपन लोगों को अब सोचना है अपने फ्यूचर के बारे में। आज की जो महंगाई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है और हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। हर कोई ये चाहता है कि हमारे घर में अगर 2 रोटी बने तो 4 रोटी बनने की गुंजाइश हो सकेगी। हर कोई ना कोई तरीके से अपनी इनकम को ग्रो कर रहा है और आजकल पढ़ाई भी इतनी महंगी होती जा रही है कि हर कोई अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहा। लेकिन फिर भी वो कुछ भी कोशिश करके वो शिक्षा देने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि अब अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। उसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने एक प्रयास किया है, छोटे छोटे सेंटरों को डेवलप करके, ताकि अपने लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो चीज़ उन्होंने अचीव की, वो चीज़ अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक सेंटर का ऑर्गेनाइजेशन किया है जो आप ही के ग्राम कड़ीसरा कला में संचालित होने जा रहा है और अभी हो चुका है, मुझे पता चला है। तो आज उसी के संदर्भ में आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं कि जो आप लोग अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं स्कूल के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, वो अच्छी बात है, वो ज़रूरी है, क्यों? वो डिग्री दे रहे हैं, ठीक। बच्चे स्कूल तक जाते हैं पढ़ने के लिए, आ जाते हैं वापस, बैग साइड में रखते हैं, फिर उनको ज़बरदस्ती फोर्स करना पड़ता है कि बेटा पढ़ लो, लेकिन उनकी इच्छा अंदर से नहीं होती कि हम खुद उठा लें। जब तक उनको 10 बार नहीं आप बोलोगे, जब तक वो लोग नहीं करेंगे। तो अपन को उनको ऐसी शिक्षा देना है ताकि वो खुद प्रेरित हो सके उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अब उन्हें अपना आगे का विजन ही पता नहीं कि हम एक पास करेंगे कि 2 में आने से हमें फायदा क्या है। जब उनको एक पास करने का आप फायदा बता दोगे, तो वो ऑटोमेटिक 2 की तैयारी करेंगे कि हमें एक पास कैसे करनी है। उन्हें जब ये पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक 2 में आने का प्रयास करेंगे। जब 2 का पता चल जाएगा तो 3 में आने का प्रयास करेंगे। जब आपको पता चल जाता है कि भाई रोटी बनाने से ये फायदा होता है कि उनकी भूख खत्म हो जाती है, तभी तो आप लोग रोटी बनाते हैं। जब भूखे नहीं लगे तो रोटी काट बना, है ना। तो बच्चों के लिए इस सेंटर के माध्यम से एजुकेशन के पर्पज से तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी, मगर उनका जो मानसिक विकास है और उनका जो शारीरिक विकास है,
वो कैसे डेवलप होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है बच्चों को। और जो भी अपन लोग भी सीखना चाहते हैं, अपन लोगों का माइंड है, अपने माइंड में दो मन होते हैं, एक चेतन मन एक अपचेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस माइंड। अपन लोग सिर्फ चेतन मन से कार्य करते हैं, ज्यादातर अपन लोग उपयोग मात्र 0.5% चेतन मन का उपयोग करते हैं। यदि हम लोग 100% अपचेतन मन का कार्य सुनने लगे या करने लगे तो बहुत बड़ी बात है। आजकल कोई भी 100% माइंड का कार्य माइंड को अपने यूज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? उसका एक कारण है कि जो 100% माइंड का यूज कर लेगा तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी उसमें डेवलप हो जाएंगी। इसीलिए हम लोगों को अपने बच्चों को एक माइंड पावर बढ़ाने के लिए उनको एक टॉनिक का रूप जो कार्य करेगा, जो कोर्सेस हैं उनकी पर्सनालिटी को अपग्रेड करने के लिए और उनके मानसिक विकास को बढ़ाने के लिए, वो चीज़ें उनको सिखाना ज़रूरी है एजुकेशन के साथ साथ। क्योंकि जब आज हम लोग नीचे से उठ के ऊपर जाएंगे तो नाम होता है, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे तो भी नाम होता है। दोनों मौके हैं अपने पास, नीचे से ऊपर बढ़ने के लिए भी, ऊपर से नीचे बढ़ने के लिए भी। अगर मोदी जी आज आके फिर से चाय बेचे तो भी उनका पेपर में नाम लिखा जाएगा। और जो उनने पहले से चाय बेची तो भी आज उनका नाम है। क्यों है? क्यों उनने उस नीचे से ऊपर तक गए, प्रोसेस की। आज अम्बेडकर साहब भी नीचे जाति के व्यक्ति थे, आज वो पढ़े लिखे, आज उन्होंने संविधान को लागू किया, संविधान को बनाया, तो आज उनका नाम है। आज अपन लोग भी उनकी चीज को पढ़ रहे हैं, उनके इतिहास को पढ़ रहे हैं और उनसे प्रभावित होकर उनके मार्गदर्शन पर चलने की सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, ना कि उनके मार्गदर्शन पर चल रहे। अम्बेडकर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप दारू पियो या कोई गलत संगत करो या गलत आदत करो। उनके जमाने में भी दारू चल रही थी, उनके जमाने में भी बुरी चल रही थी, हुक्का चलता था हर चीज, लेकिन उन्होंने नहीं पिया, उनके साथ वाले पीते थे। ठीक, तो साथ वालों ने कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने किया आज वो नहीं है। उन्होंने ऐसी हरकतें की, उन्होंने ऐसी अपने अंदर अचीवमेंट की, ऐसी चीजें सीखी, ऐसी नॉलेज ली, बाहर तक पढ़ने गए, गरीब होने के बाद भी अमेरिका, आपके अमेरिका हुआ, हॉलैंड हुआ, इंग्लैंड हुआ, यहाँ से उन्होंने डिग्रियाँ अलग अलग हासिल की, तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? एक सोचने वाली बात है। अपन कहते हैं कि भाई अपन गरीब हैं, अपने पास नहीं है, अपन यहाँ से टालबेट तक अपने बच्चे को नहीं पढ़ने भेज सकते, बैतूल नहीं भेज सकते, झांसी नहीं भेज सकते। तो जब वो नॉलेज उनको अगर आपको देनी है तो वहाँ तक पहुँचाना जरूरी है। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते तो जो लोग वहाँ से पढ़ के आए हैं अगर वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो भी ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक मोहल्ले में तो अगर पहुँचा ही सकती। तो इसी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे साथ काम कर रहे हैं मिस्टर अरुण कुमार जी, जो पीसी से एडवोकेट हैं लेकिन एजुकेशन फील्ड में काफ़ी भर तक प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों तक एक माइंड सेट करने की जो एक नॉलेज है, जो अपन लोगों को सिर्फ पढ़ाई की नॉलेज में नहीं दी जाती है। सिर्फ अपन को पढ़ाई में क्या दी जाती है कि आपको सिर्फ पढ़ना है और एक अच्छी नौकरी पाना है। भाई उसको पता नहीं कि नौकरी क्यों करना है, उसको पता है कि भाई नौकरी लग जाएगी 25 से 50 हज़ार तक की तो एक सेटल जिंदगी हो जाएगी, चलती रहेगी। लेकिन नौकरी आज के समय में जो नौकरी कर रहे हैं उनकी भी आपने कंडीशन देखी है, जो नहीं कर रहा है उनकी भी देखी है कि नहीं? यानी जो नौकरी कर रहा है उनके पास पैसा होने के बावजूद भी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है तो किसी दूसरे व्यक्ति से उनको मांगने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं कि नहीं? तो इसी प्रकार से अगर बच्चों को अपन नौकरी की नॉलेज दे रहे हैं तो भाई 70 से 80 हज़ार के बीच की जो नौकरियाँ हैं या 40 से 50 हज़ार के बीच की नौकरियाँ, उनके लिए आज बहुत सारी कॉम्पिटिशन है। हर बच्चा सोच रहा है, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा तैयारी कर रहा है। नौकरी निकली 10 हैं, फार्म डल रहे 10 लाख। तो जो 10 नौकरियों की जो पेमेंट है वो अपन लोगों से ही इकट्ठी होकर गवर्नमेंट वही को 60 साल तक देती रहती है, उसी का उसको प्रॉफिट भी होता है और 60 साल में कई नौकरियां निकालती है और कई नौकरियों को बर्खास्त भी कर देती है, लोगों को पैसा भी दिया जाता है।
तो अपन लोग ऐसे कई सारे कोर्सेस हैं जो आपके माइंड को डेवलप कर सकते हैं, उन कोर्सेस को अपन को ज्वाइन करना है और कराना है। यदि अपने व्यक्तित्व का अपन को विकास करना है तो अलग से एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है। उसी एजुकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो अपन लोग फॉलो नहीं करते हैं, उन पर नहीं चलते हैं। भाई सबको पता है सुबह उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, जैसे कि पेपर वाला, सबसे पहले उठता है पेपर वाला, 4 बजे उठता है और सुबह जाता है दौड़ के अपने पेपर का कार्य करता है, बिल्डर लेता है, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ उठ रहा है और उठ के अपनी नौकरी का कार्य कर रहा है कि भाई 4 पैसे आए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं और अपना मॉर्निंग वर्क करते हैं, अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं, अपना जो मॉर्निंग की उनकी जो कार्य रहती है आधा एक घंटे की वो करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, यानी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो लोग नहीं पढ़ रहे। जो अपन लोग क्या कहते हैं कि अपन लोग ज़्यादातर रात को पढ़ाई करते हैं, लेकिन रात को पढ़ाई करने का मतलब ये है कि अपन लोगों को वो नॉलेज नहीं मिल रही जो नॉलेज आपको सुबह पढ़ने से मिलेगी। बच्चे क्या करते हैं, दिन भर खेलते हैं, शाम को पढ़ने की होमवर्क करते हैं और फिर पढ़ते हैं और सुबह उठते सोते ही रहते हैं 8 घंटे। लेकिन यदि वही रूटीन उनका चेंज हो जाए, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक या 5 बजे से 6 बजे तक भी पढ़ेंगे, तो अलग एक माइंड सेट अलग होगा और जो सोचने की क्षमता होगी वो भी काफ़ी हद तक विकसित होगी। ये सारी चीज़ें जब अपन लोगों को पता चलेंगी, जब आपको और मज़ा आएगा और इस चीज़ को करने में आपको खुद अंदर से फीलिंग जाहिर होगी कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए और करानी चाहिए अपने अंदर। आज मैं आपको एक ऐसी व्यक्ति से मिलाऊंगा जो अपने बीच में तो नहीं है, मगर आज मेरी उम्र से भी छोटी उम्र में होने के बावजूद आज लाखों लोग उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। आज उनकी प्रेरणा से आज 80 से 70 साल के बुजुर्ग भी आज उनकी पैर छूते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। यानी व्यक्ति की उम्र का इफेक्ट नहीं है, उसकी सिर्फ नॉलेज का इफेक्ट है। व्यक्ति पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के बाद भी वो चीज़ें पढ़ने के बाद क्या करता है, व्यक्ति नौकरी कर रहा है और आज करोड़पति है, लाखों रुपये है, फिर भी उनके पास जा रहा है वो चीज़ सीखने के लिए जो चीज़ उसने अपनी एजुकेशन लाइफ में नहीं सीखी। वो चीज़ क्या होती हैं, वो चीज़ ऐसी हैं जो 8 फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं सर ने, वो ऐसे 8 फैक्टर्स हैं जो 8 चीज़ें ऐसी हैं जो यदि एक व्यक्ति अपने अंदर समाहित कर ले, अपने अंदर गेन कर ले, तो सफल नहीं एक सफलता की सीढ़ी पे चलने का यदि प्रयास भी कर ले तो अंदर से सफल हो जाता है। यदि हम सिर्फ अपनी सोच को ही परिवर्तित कर दें, अगर हम अपनी सोच को ही परिवर्तित कर दें तो आज आप यहाँ पर इस गर्मी भरे माहौल में बैठे हैं, लेकिन आप सोच को ही बेहतर कर दें तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ ठंडी का महसूस होने लगेगा। आप सभी को मैं एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, आप सभी को आंखें बंद करनी है, आप सभी को आंखें बंद करनी है और अपनी माँ का चेहरा देखना है। आप सभी को आंखें बंद करनी है, सिर्फ 1 सेकेंड भी आपको आंखें बंद करना है और अपनी मम्मी का चेहरा नहीं देखना है, मम्मी का चेहरा नहीं देखना है। तो ऑटोमेटिक आपके सामने आपकी मम्मी का हंसता हुआ चेहरा आ जाएगा, आएगा कि नहीं? ये सिर्फ आपकी सोच है, हमने कहा मम्मी का चेहरा नहीं देखना है, लेकिन आपकी आंखों में आ गई वाइफ फिर। तो जी ऐसा क्या है कि आपके विचार हैं, जो चीज़ आपके माइंड में पहले से फिट है तो कोई अगर कहे ना तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आ जाती आपके आंखों में। अब आपने खटाई का स्वाद देखा, इमली खाई होगी, अब यदि कोई सामने वाला व्यक्ति इमली खा रहा होगा तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, उसका स्वाद आ जाएगा। तुझे सिर्फ स्वाद का फर्क है, आपकी जो चीज़ आपने गेन करी है, आपने खाई है, जो चीज़ आपके अंदर समाहित है उसी का नतीजा है। तो मैं कह रहा था एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने की, तो जिन व्यक्ति से हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं, जिन व्यक्ति की बदौलत आज हम लोग इस मुकाम पर खड़े हैं, आज आप 4 लोगों को समझा रहे हैं या कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उन्हीं का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ऐसी ही महान शख्सियत का नाम है मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर। आज जिनकी उम्र मात्र 24 वर्ष है, मात्र 24 वर्ष की उम्र में
ये व्यक्ति करोड़पति नहीं अरबपति है। आज इनकी दिन की लाखों की इनकम है और आज लाखों लोग इनको अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं, यानी कि मोदी जी हैं। तो आज कई लोग सिर्फ वो राजनीति में इसलिए उनका कोई प्रमोशन नहीं करता, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो ही करेंगे प्रमोशन। आज अपने आप ही कई लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक, यदि थोड़ा थोड़ा अपन लोग सहभागिता करें आज इस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, तो एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। अकेले आज हम लगे हैं, तो आज इन्हें हमें बुलाया, हमने कल इन्हें बुलाया अपने आप, तो हम लोग धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं। और हम लोग का मतलब ये है कि अगर अपन लोग इकट्ठे हो जाएं तो एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है इस चीज़ को बदलने के लिए। तो जय कार जी का करें, इन्होंने क्या किया, पहले तो उस चीज़ को खुद सीखा। क्या चीज़ सीखी, इन्होंने पढ़ाई की, अच्छी नौकरी करने के लिए भी भरसक प्रयास किया, नौकरी भी कर ली, नेटवर्किंग भी करी, और वो चीज़ों को सीखा, अपनी पर्सनालिटी को अपग्रेड किया, और आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोच हैं। आज इनकी बुक्स चलती हैं, किताबें चलती हैं, सेमिनार होते हैं, ऐसी कई मीटिंग्स होती हैं, होम मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पर बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लोगों के लिए जो चीज़ उनको सीखना है वो चीज़ सिखाई जाती है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे आपकी इनकम से हो, पैसा से हो, धन से हो, दौलत से, हर चीज़ किसी भी क्षेत्र की जानकारी आप इनसे ले सकते हैं। मगर वो यहाँ तक जब पहुँचे तभी आज उनका नाम हुआ कि नहीं, उन्होंने संघर्ष किया तब वो यहाँ तक पहुँचे। तो वही चीज़ अपन जब बच्चों को देंगे, तो ये चीज़ इन्होंने जो 40 पेज की जो 80 पेज की किताब लिखी है, इनमें वो सारी चीज़ें हैं जो यदि अपन लोग धीरे धीरे पढ़ के फॉलो करें तो अपन वहाँ तक जा सकते हैं और अपने बच्चों को पहुँचा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस सेंटर पर मिलेंगी, अपने बच्चों को सेंटर पर पहुँचाएँ और सर के माध्यम से वो चीज़ें आपको मिलेंगी। धीरे धीरे आप लोग जितने भी बच्चे भी जाते होंगे उनका पहले से अभी में बहुत बड़ा फर्क होगा, डिफरेंस होगा उनकी सोच में भी, उनके बोलचाल में भी, उनके बातचीत करने के परिवर्तन के साथ साथ उनमें निखार भी आया होगा। भलाई एजुकेशन आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको एक्चुअल में चाहिए, लेकिन आपके जो मानसिक विकास आपका हो जाता है, आपका मानसिक अब चेतन मन चेतन की तरफ आपका अग्रसर हो जाता है, जो चीज़ आपके चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है वो फिट हो जाती है। आज हर घर में कई प्रकार की समस्याएं हैं और उन समस्याओं को लेकर अपन लोग सिर्फ व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं। अपन लोगों के लिए जितने भी लोगों ने समय निकाला, सब ने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाला है, किसी ना किसी घर में जरूर कोई ना कोई कार्य ऐसा होगा जो अर्जेंट होगा, लेकिन आप लोगों ने जो समय निकाला है वो इसलिए कि भाई हमको ऐसा क्या मिलने वाला है, ऐसा क्यों बुलाया गया भैया ने, तो भाई सुनना जरूरी है। अगर उन्होंने कहा कि एक मीटिंग रखी है जो सफल लोगों के लिए है, जो अपने बच्चे को अपग्रेड करना चाहते हैं उनके लिए, तभी तो आप लोग आए, और भी बहुत सारे लोगों को बुलाया लेकिन वो नहीं आए। तो भाई आप लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि जो आपने अपना समय निकाल के इस चीज़ को समझा, और आगे आप लोगों को आगे इस चीज़ को बढ़ाना है। जब अपन लोग एक दूसरे के सामने इस चीज़ को प्रदर्शित करेंगे, रखेंगे कि भाई कैसे अपन लोग सफल होंगे, कैसे अपने बच्चों को सफल बनाएंगे, तभी तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो नॉलेज जो एजुकेशनल नॉलेज है उसको तो हर कोई, आप स्कूल में अपने बच्चों को दिला सकते हैं, कोचिंग में दिला सकते हैं, जो जो दो कोर्सेस हैं, कंप्यूटर कोर्सेस भी अपने पास हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज भी हैं, तो सारी सीरीज जो है जो अपन ने ली है, जो इनका जो कोर्स है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, उसकी जो एचयूएल कीमत है वो है 80,000 रुपये, जो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी हर व्यक्ति उस चीज़ को सिर्फ एक कोर्स के लिए नहीं दिला सकता। आपसे कहेंगे आप अपनी बच्ची को 80,000 रुपये खर्च कर दो तो आप सोचोगे, लेकिन अगर बड़ी चीज़ आपको टुकड़ों में मिल जाए, 1,000-2,000 रुपये में 2 महीने में आपको वो चीज़ धीरे धीरे मिल जाए कंटेन, क्योंकि जो चीज़ उनने हमें सिखाई वही चीज़ आपको हम सिखाएंगे। तो वो चीज़ सीखने के लिए आपको सिर्फ बच्चों को यहाँ तक पहुँचाना है। अगर 80,000 रुपये वाली चीज़ आपको 2,000 में मिल जाएगी तो ये बहुत बड़ी छूट है, आप अपने बच्चे को वो चीज़ दे सकते हैं और खुद भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, आपके लिए भी बहुत ही बड़ी नॉलेज है।
महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उसमें कि आप सीख सकती हैं, अपने परिवार को मेंटेन कर सकती हैं। भाई एक घर का मुखिया आदमी माना जाता है, लेकिन आदमी तो सिर्फ घर में सुबह और शाम रहता है, दिन भर तो घर आपके हाथ में रहता है। आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं, बच्चे आपके हाथ में रहते हैं ज़्यादातर, आप अपने बच्चों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो सारी नॉलेज भी आप इस चीज़ से सीख सकते हैं। भाई किसी को जब बीमार रहता है व्यक्ति तो कहाँ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा कि वकील के पास जाएगा? डॉक्टर के पास जाएगा। तो यदि किसी चीज़ को कोई चीज़ आदि नहीं है तो उसी के पास जाएगा जो चीज़ इसका स्पेशलिस्ट होगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप बच्चे को कहाँ पहुँचाओगे, स्कूल ही नहीं, ताकि वो सीख सके। तो इसी के बाद ऐसे अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना है या कंप्यूटर कोर्स कराना है या योगा कराना है, कुछ भी एक्सपर्ट जो आपके मानसिक शारीरिक और आपके आध्यात्मिक विकास में आपके बच्चे को ऊपर तक ले जाए, तो उसी स्पेशलिस्ट के पास पहुँचाओगे जहाँ पर उसको उस चीज़ का ज्ञान है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे सेंटर पर मिलती बारे में। तो आप हम सभी को एक साथ मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाना है और सभी लोगों को एक साथ अपने बच्चों को इसी प्रकार अपन धीरे धीरे और मीटिंग्स भी लगा सकते हैं और लोगों को इकट्ठा करके जब चार लोग सीखेंगे तो चार आठ तक पहुँचाएंगे इस चीज़ को। अभी हो सकता है सेंटर में कोई कमी हो या कुछ ऐसी बैठने की व्यवस्था कम हो, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। जब आज सिर्फ ज्ञान की बात है, आपको नॉलेज लेनी जानी है, एक घंटा अपना समय देना है। यदि एक घंटे में आप 1000 लोगों की बातों को जो निचोड़ है बोझ मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ व्यक्ति पहले चलते हैं उस रास्ते पर जो सक्सेस का रास्ता है, जो चले हैं उस रास्ते पर, उन्होंने पता है कि भाई यहाँ पर गड्ढा है, वो गिरे हैं उस गड्ढी में, तो वो आपको पहले ही बता देंगे कि भाई आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर हम चल चुके हैं, अब आगे गड्ढा है, आपको उस गड्ढे में नहीं गिरना है। तो पहले आपको बता देंगे तो आप उस गड्ढे को क्या करोगे, नाक जाओ, ना कि उसमें पहले खुद गिरोगे, मिट्टी डालोगे, गड्ढी में। लेकिन जो चीज़ इस चीज़ को नहीं सीखा वो पहले गड्ढे में गिरी, गड्ढे की कितर लगी, कितर झूला चली, फिर धारा अंदर आती है। तो अपन चाहते हैं कि आप लोग गड्ढी में ना गिरो ना बच्ची गिरे। अगर बच्चों का फोकस नौकरी पाना है तो और अच्छी बात है, नौकरी भी जरूरी है, जो लोग नौकरी को मानते हैं उनके लिए नौकरी ही जरूरी है। वो तो सोच है, किसी व्यक्ति की सोच है कि वो बिजनेस करे, व्यापार करे, अपना कोई काम धंधा रखे, कोई कहते हम दूसरे की नौकरी करें, जॉब करें, तो सब अपना अपना फोकस है। आज के समय में हर चीज़, कोई भी चीज़ छोटी नहीं है, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है। धंधा है तो धंधा भी बहुत बड़ा है, वो भी करोड़ों रुपए का व्यक्ति कर रहा है। नौकरी है तो वो भी करोड़ों व्यक्ति कर रहा है। एक कंपनी में अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा है या एक गवर्नमेंट जॉब में, तो वहाँ पर 20,000 रुपये भी तनख्वाह मिल रही है और 1,00,000 रुपये भी तनख्वाह मिल रही है। लेकिन आपकी औकात क्या है, वो आपकी औकात के हिसाब से पैसा दे रहा है। 20,000 रुपये जिसको मिल रहा है, मान लो 20,000 हमें मिल रहा है, लेकिन इनको 80,000 मिल रहा है, तो इनकी औकात 80,000 रुपये की, हमारी औकात 20,000 की। हमें 20,000 की नॉलेज है इसलिए वो हमें 20,000 की नौकरी दे रहा है। इन्होंने नॉलेज 80,000 रुपये की ली है इसीलिए इन्हें 80,000 रुपये मिल रहे हैं। तो अपन को अपने बच्चों की क्या बढ़ाना है, औकात बढ़ानी है, नॉलेज बढ़ानी है। अपन लोग जिंदगी भर यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए पूरा पैसा खर्च करते हैं, किसी को अच्छा पहनाएंगे, उड़ाएंगे, खिलाएंगे, हर ख्वाहिश इसकी पूरी करेंगे। इतने वाले पार्ट को, 4 इंच का पार्ट है आपका माइंड, इसको कभी नहीं खिलाते। तो इसको जितना खिलाओगे, यदि आपने 1% 2% इसको खिलाया तो जी आपको 200% की रिटर्न देता है। यदि आपने एक किताब पढ़ी, कोई भी एक किताब पढ़ी अच्छे से, तो वो आपको जो नॉलेज हो जाएगी उसका जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करोगे तो आपको 200% की रिटर्न देगी। जो उसके शब्द होंगे, आपके बोलने का तरीका होगा, वो काफ़ी प्रभावशाली होगा। तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, धीरे धीरे समय लगेगा अपग्रेड होने में, लेकिन धीरे धीरे अपग्रेड होंगे। आज के समय में बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में ही रहने लगे, बिजी मोबाइल, सबसे बड़ा खतरा मोबाइल है। मोबाइल के साथ मिलने वाला
एक महीने तक फ्री इंटरनेट, ठीक, जो 500 रुपए में आवाज में मिलता है। पहले व्यक्ति के पास 1 GB नेट था, वो भी एक महीने तक चला रहा था बिल्कुल धीरे धीरे, और आज 3 GB एक दिन में मिलता है, तो 1 GB पूरा पड़ जाता है 3 GB एक दिन में। अब बच्चे देखो पीछे मोबाइल में आराम से व्यस्त है, क्योंकि आज के समय अपग्रेड जो अपग्रेड हो रहा है, आज के जो बच्चा पैदा भी हो रहा है तो उसको हाथ में मोबाइल, अगर उसको मोबाइल नहीं मिला तो वो रो रहा होगा, सच हो रहा है, उसको दूर की जगह नहीं मिली, हर कोई लेकिन तो मोबाइल उनके लिए जरूरत है। यदि आप उसको मोबाइल के साइड इफेक्ट बताएंगे तो हो सकता है छोड़ दें, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। अपन लोगों की कई लोग ऐसी महिलाएं हैं जो दिन भर मोबाइल चलाती हैं, अपन लोगों में कई बच्चे हैं जो दिन भर मोबाइल से चिपके रहते हैं, क्योंकि फ्री कॉल है और फ्री नेट है, तो जब तक या तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाए, मजबूरी में देख ली, जब तक उसकी बैटरी डिस्चार्ज नहीं हो जाए तब तक वो छूट नहीं सकता। तो मोबाइल से भी अपन को दूर करना है, क्योंकि मोबाइल आपकी सेहत के लिए जितना लाभदायक है उतना ही हानिकारक है। हमेशा मोबाइल 24 घंटा आपके शरीर के पास रहता है, तो इसलिए आपकी 5 साल लाइफ कम होती है, 5 साल लाइफ आपकी कम होगी, क्योंकि जो उसकी अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो रेडिएशन पावर है, वो आपकी आयु को धीरे धीरे कम करती है। यदि आपका मोबाइल आपके हमेशा पेन की जेब में रहे या आपके माइंड के पास रहे, तभी आपके पास रख के सो रहे, तो इसकी जो किरणें हैं आ रही हमेशा, काम का है चाहे फ्रिक्वेंसी का है किरणों का है, क्योंकि भाई कोई डोरी तो लगी नहीं है इसमें, पूरा नेटवर्क का कार है, तो भाई जो आएंगी तो वो आपके माइंड पर भी इफेक्ट करेगी। आप भला ही सो रहे लेकिन वो तो कार पूरा कर रहे हैं ना, फोन आया तुरंत आ गया, उसमें बात हो रही तो पता नहीं चल रहा, बस उधर तक बात हो रही, यहाँ पे तो आप सुन रहे पहले हमारी बात, आपकी कानों में जा रही फिर आपके माइंड में जा रही, इनमें कहाँ जा रही, यहाँ भी तो उसके कान लगे, उसका माइंड है, तो वही फ्रिक्वेंसी जो आपके कानों में जा रही है हमारी तरंग जा रही है, ऐसी इसमें भी तरंग है। इस आज की जो सभा है उस सभा का उद्देश्य सिर्फ यही है, अपन लोगों को अपग्रेड होना है, और अपग्रेड होने के साथ साथ अपने बच्चों को भी अपग्रेड करना है, मेन मोटिव ये है। उस अपग्रेडेशन के लिए जो आपको प्रोसेस चाहिए वो सारी प्रोसेस आपको सर देंगी, अरुण जी देंगे, ठीक है, जो भी आपको और जानकारी चाहिए तो आप लोग सेंटर पे आकर और ले सकते हैं, ठीक। तो आज की इस सभा का मैं समापन करता हूँ, और आप सभी का एक बार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो आपने इतना समय निकाला, 1 से 1.5 घंटे आप यहाँ पर बैठे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सभी एक बार फिर से हार्दिक